कलयुग का प्राणी मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए जहां ना पहुंचते रवि चाचा जी वहां पहुंच जाते कभी कभी। कभी ने कलम को उठाया, उस विधाता की तारीफ करी और ये कहा, परम पिता तेरी लीला परंपार है, तूने एक धरती को इतने तरीके से सजाया है। देखिए चाचा जी एक एक बोल को गहराई से सुने, यदि आनंद आ जाए तो देखिए सब कुछ पैसा नहीं होता, पैसा आप बहुत दे रहे हो लेकिन प्यार तालियों का दे देना गाना समाप्त होने के बाद, और यदि अच्छा ना लगे तो बीच में कह दो लाला बैठ जाए हम पे फिरे इंतजाम सोने को लोटा गंगा जल पानी। आइए सुनिए हर जगह मौजूद है पर तू नजर आता नहीं, योग साधना के बिना भगवान ये मानव तुझे पाता नहीं। हे रास्ता ते दीप नब खंड रचा के जगत जहां रे, और तेरी लीला न्यारी भेद मिलेगा भगवान रे, तेरी लीला ये न्यारी भेद मिलेगा भगवान। प्रभु ये मैंने अभ्यास किया भगवान हम आंखों से देखा, एक मिट्टी का ढिप्पा यदि मैं एक गिलास जल में भी डालता हूं तो वो डूब जाता है, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी बिना किसी खंभ के तूने जल पर कैसे रोक दी, क्या बात है, तेरी लीला समझ नहीं आई। आइए आदरणीय हमारे मास्टर धीर सिंह जी जो कि पार्टी के बहुत होनहार कलाकार हैं, एक से एक रुपए इन शब्दों पर दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों का प्यार हो जाए। कहते हैं प्यारे भक्तों अपने नाम के लिए और नाच कूद पर लोग लाखों नोट खर्च करते हैं, ऐसे शब्दों पर केवल वो विद्वान दान दिया करते हैं जो कुछ शब्दों की कदर करते हैं। आइए क्या लिख दिया भला, और सुनिए 201 रुपए राजू घने का नंगरा तुर्जा तारोली से, ये भी 201 रुपए दे रहे हैं। तेरे पानी के ऊपर भगवान, पानी के ऊपर भगवान धरती को टिकाया रे, कहते नीचे नहीं खंभ ऊपर आसमां बिछाया रे, कहते बिना नीचे नहीं खंभ ऊपर आसमां बिछाया रे, कहते नीले गगन को नौ लख तारों से सजाया, कैसे नीले गगन को नौ लख तारों से तारा से दजाया, बनते
कण कण में समाया हके थे सोले कला के चांद पूनम को खिलाया कैसे सोले कला के चांद पूनम को खिलाया कैसे सोले कला के चांद पूनम को खिलाया कैसे रे चिमका तड़ू लटी लटका दी आपने देखा होगा चिमका तड़ वृक्षों पर उल्टी लटकती है हे रे चिमका तड़ू लटी लटका दिए मेढक बिना जवान रे तेरी लीला न्यारी भेद मिले ना भगवान रे तेरी लीला ये न्यारी भेद मिले ना भगवान बात है भाई दिया जगत जहान रे तेरी लीला न्यारी भेद मिले ना भगवान रे तेरी लीला न्यारी भेद मिले ना भगवान क्या बात है में जितने जीव पैदा होते हैं चाचा जी सभी जीव भोग के कारण पैदा होते हैं सृष्टि भोग से चलती है लेकिन एक जीव मैंने ऐसा देखा भगवान जो भोग नहीं करता आइए क्या लिख दिया मास्टर जी आइए इस प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आदरणीय मेरे मित्र जो कि बहुत अच्छे कलाकार भी हैं सीपी भाई सीपी लाइफ सेंटर गोंडा की तरफ से जो भैया जी ने कैमरा लगवाया है जो 24 घंटे के बाद आप यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएंगे हमारे बड़े भैया ये भी मुझे सम्मानित करते हैं इन शब्दों पर एक बार जोरदार तालियों का प्यार होना चाहिए क्या बात भोग करे संसारी क्यों कौए के दो आंख बना दी एक पुत्री डारी ही क्यों छोटी सी चींटी के पेट में गांठ भगवन भारी क्यों छोटी सी चींटी के पेट में गांठ भगवन भारी क्यों छोटी सी चींटी के पेट में गांठ भगवन और आइए मुनीम प्लांट वाले ये भी एक से एक रुपए इन शब्दों पर दे रहे हैं एक बार जोरदार ताली हो जाए आदरणीय बड़े भैया जी के लिए और हमारे प्यारे रुपए बहन जी सम्मानित कर रहे हैं देखिए इंसान ना जाने माजी इस भ्रम में खोया रहता है कि मैं जाट हूं इंसान भैया इस भ्रम में खोया रहता मैं जाट हूं मैं ठाकुर हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं बनिया हूं मैं गुजर हूं लेकिन असत्य बात है ये कर्मों के अनुसार मनुष्य को कौम कास्ट दी गई है जिसका जैसा कार्य है उसे वैसी ही बिरादरी से बुला दिया गया है बाकी परम पिता के घर से तो केवल ढाई जात बनी है नर नारी आधा हिजड़ा आइए सुनिए नदी नाले मीठे बहते सागर किया खारा क्यों ही जुड़ा क्यों पैदा होते ढंग दुनिया से न्यारा क्यों कोयल का स्वर मीठा किया रंग दिया ताड़ा क्यों
कोयर का तोर भी टहटिया रंग दिया कारा जो कोयर का तोर भी टहटिया रंग दिया कारा जो ऋषि मुनि पैदान सकेगा तेरा विधि विधान माजी की तरफ से बार बार धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। कुराने से ये भी क्या मन पे दे रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हो गया भगवान। आइए तेरे कहीं पे नबूद चलगी कहीं चले फुआरे क्यों गर्मी ने सताया कहीं पे कहीं सिद्ध करा दे क्यों कहीं कहीं धूप निकले कहीं आंधियारे क्यों
दा में शीतल ताई क्यों सोने को जब रैन बना दी चकवे ने जगाई क्यों एक ही बनाने जब वाला सूरत न्यारी न्यारी क्यों एक ही बनाने वाला सूरत न्यारी न्यारी क्यों एक ही बनाने वाला सूरत न्यारी न्यारी क्यों भद्दा सिंह तन जाने तक क्या ना तेरा विधि विधान रे तेरी लीला न्यारी राम खिलाड़ी जी 51।